हर डेमोक्रेसी की तरह इंडियन डेमोक्रेसी में भी कई कमियां और खामियां हैं, लेकिन कभी यहां कोई चाय वाला पीएम बन जाता है तो कभी कोई ऑटो वाला सीएम बन जाता है। फर्श से अर्श तक का यही सफर भारतीय लोकतंत्र की कमियों के बावजूद इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। इसी खूबसूरती की मिसाल को आगे बढ़ाते हुए 58 साल के एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें सीएम बन गए। उनको सीएम बनाए जाने की जो घोषणा थी वो ऑब्वियसली ब्रेकिंग न्यूज थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक ये माना जा रहा था कि राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन पहले तो उन्होंने कहा कि वो कोई पद लेने नहीं जा रहे, और फिर बाद में बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वहां से जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक ने अपनी घोषणाओं और अपने बयानों से उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। तो फडणवीस के साथ ऐसा क्यों हुआ उसकी अपनी अलग कहानी है, लेकिन अभी बात करते हैं इसकी कि उनके जगह एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने से भाजपा को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो बताया जा रहा है पहचान आधारित राजनीति का। दरअसल फडणवीस ब्राह्मण है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो महज 3% है। वहीं एकनाथ शिंदे उस मराठा समुदाय से आते हैं जिनके राज्य में आबादी जो है वो 30% है। एनी डे 3% पर 30% जो है वो भारी होगा। ऊपर से आपको याद होगा कि 2014 से 2019 के बीच फडणवीस जब सीएम थे तो उन्हें मराठा रिजर्वेशन को लेकर जबरदस्त आंदोलन का सामना करना पड़ा था। पहचान आधारित राजनीति के अलावा एक और बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि हर बड़े नेता की तरह फडणवीस से भी कंपीट करने वाले और उनसे तल्ख रिश्ते रखने वाले कई ऐसे बीजेपी के नेता थे जिनसे महाराष्ट्र बीजेपी को परेशानी हो रही थी। ऐसे नेताओं में एकनाथ खड़से से लेकर पंकजा मुंडे जैसे नेताओं का नाम शामिल है। तो कास्ट इक्वेशन संभालने के बजाय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उस देवेंद्र फडणवीस के भी पर कतरने का काम किया है जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे बीजेपी ने शिवसेना का जो विक्टिम कार्ड था उसको भी छीन लिया। अब शिवसेना के लिए यह कहना भी मुश्किल होगा कि भाजपा ने एक शिवसैनिक से सीएम की कुर्सी छीन ली, क्योंकि आपको याद तो होगा ही कि शिंदे खुद को असली और बाल ठाकरे वाली शिवसेना बता रहे हैं। बीजेपी के ऐसे मूव से न सिर्फ शिवसेना का विक्टिम कार्ड छीना है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग राजनीतिक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। दरअसल शिंदे शुरू से कहते रहे कि शिवसेना बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं रही। इसके पीछे का कारण उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से हुए गठबंधन को बताया। अब जब शिंदे 40 विधायकों के साथ शिवसेना की पुरानी सहयोगी भाजपा के पास चले गए हैं तो पार्टी ने ये मैसेज भी देने की कोशिश की है कि उनके लिए सिर्फ सत्ता मायने नहीं रखती, उनके लिए विचारधारा मायने रखती है। बाल ठाकरे की हिंदुत्व वाली वो विचारधारा जिसके जरिए शिंदे बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को इस पूरे तख्ता पलट के प्रकरण के दौरान घेरते रहे। ऐसे में शिंदे को सीएम पद देकर बीजेपी ने यह मैसेज दिया है कि विचारधारा के नाम पर सीएम की कुर्सी कुर्बान हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें एक और इलेक्टोरल गेन यानी चुनावी फायदा भी है। दरअसल बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर शिवसेना का एक छत्र राज रहा है। अब जब सेना के 40 विधायक भाजपा की तरफ हैं तो ऐसे में भले ही सेना के कैडर का एक बड़ा या छोटा हिस्सा उद्धव के साथ खड़ा हो, ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले किसी भी चुनाव में उद्धव बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में होंगे। यानी उनके पैरों के नीचे से खिसकी जमीन का भाजपा को भरपूर चुनावी फायदा जो है वो मिलने का अनुमान है। इन सब के अलावा राजनीति में एक चीज होती है एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। इसको आसानी में ऐसे समझ सकते हैं कि आमतौर पर लोगों का जो गुस्सा है वो विपक्षी पार्टियों के बजाय उन पर होता है जो सरकार चला रहे होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो सरकार चला रहा होता है उसका जिम्मा होता है कि वो लोगों की जरूरत को पूरी करे। ऐसे में टूटी सड़क से लेकर पीने का पानी नहीं मिलने तक जो लोगों का गुस्सा है वो सरकार पर ही फूटता है। तो आपको तो पता ही है कि सरकार का जो चेहरा इन दिनों होता है वो खुद चीफ मिनिस्टर होता है। अभी महाराष्ट्र का चेहरा एकनाथ शिंदे हैं। ऐसे में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले वो जो भी फैसले लेंगे उनका फायदा और नुकसान भाजपा से ज़्यादा उनके चेहरे को उठाना पड़ेगा। ऐसे में अगर कुछ ऐसा होता है जिससे शिंदे की वजह से भाजपा को राजनीतिक नुकसान होने की आशंका हो तो बीजेपी को उन्हें आगे करने या उनसे दूरी बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में पहले पहल तो देखने वाली बात यह होगी कि शिंदे कितने दिनों तक राज्य के चीफ मिनिस्टर रह पाते हैं। यह भी देखने वाली बात होगी कि अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं तो जनता के बीच जो उनकी छवि है
वो कैसी बनती है, क्या ये छवि उन्हें चुनावी राजनीति में फायदा देने वाली होगी या नुकसान पहुंचाने वाली, क्योंकि इसका असली आकलन तो तभी किया जा सकेगा कि बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाने का जो फैसला किया था वो पार्टी के लिए फायदे का साबित हुआ या नुकसान का। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इस स्टोरी को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कम अच्छी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकें। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।